वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन पर जाके ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी ओर से लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचाल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो वो लोग जरूर देखें जो कि हमेशा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए सोचते रहते हैं और कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करते रहते हैं। कभी कभार गाइज, आप क्या करते हो कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जाके लॉग इन कर देते हो, लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता कि जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं वो बहुत कम सिक्योर होती हैं और ऐसे में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट के हैक होने का और डिसेबल्ड होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बिल्कुल लॉग आउट कर सकते हो उन सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जिनमें आपने कभी ना कभी पास्ट में लॉगिन किया था अपने फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों, जो फेक फॉलोवर्स जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में बढ़ाते हैं वो दोस्तों किसी काम के नहीं होते हैं, ना तो उनका कोई रियली में एंगेजमेंट आता है और ना ही उनसे कोई आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का रीच बढ़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बिल्कुल रिमूव कर सकते हो और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सेव कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो पांचाल को सब्सक्राइब करें इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और साथ ही साथ में दोस्तों इस बेल आइकन पर जाके ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि जब कभी मैं कोई टेक्निकल वीडियो बनाऊं तो दोस्तों आपको मेरी ओर से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से हटा लीजिए, उसका प्रूफ देखिए यहां पर है। जब कभी भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोवर्स को बढ़ाने की सोचते हो और ऐसे में आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोवर्स को बढ़ाते हो किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की सहायता से, चाहे उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आपको अपना रियल इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करना हो या ना हो, ठीक है। मार्केट में कई तरह के ऐसे भी एप्लीकेशन हैं जहाँ पर आपको जिस इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको फॉलोवर्स बढ़ाने हैं उसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इतना चेंज हो चुका है कि वो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको पकड़ लेता है और ऐसे में उसको पता पड़ जाता है कि आप उन पर आर्टिफिशियली लाइक्स सेंड कर रहे हो या फिर आर्टिफिशियली फॉलोवर्स को इंक्रीज करवा रहे हो, ठीक है। और ऐसे में जब कभी भी इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम उसे पकड़ता है तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट टोटली डिसेबल्ड किया जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं वो क्या करते हैं, आपके ही इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर देते हैं और फिर आपसे फिरौती मांगते हैं कि भाई इतने डॉलर दो तब जाके हम आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देंगे। तो दोस्तों, साफ सीधा सा मतलब ये है, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं करना है। प्रूफ में मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड फॉर नॉट फॉलोइंग अवर टर्म्स एंड यू वॉन्ट बी एबल टू लॉग इन टू दिस अकाउंट एंड नो वन एल्स विल बी एबल टू सी इट। Some of the things that we don't allow include the artificially collecting likes, followers, share, posting repetitive content or repetitive contacting the people for commercial purpose without their consent. तो दोस्तों, ऐसा काम करना ही नहीं है ना जिससे कि हमारा Instagram account disabled हो जाए या फिर उनके जो रीच है वो कम हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों, आपको अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को किस तरीके से रिमूव करना है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में वो बताता हूँ। आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ऑन करना है, सबसे ऊपर यहाँ पर तीन लाइन आएगी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में सेटिंग पर क्लिक करना है और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आपको आना है सिक्योरिटी में सबसे नीचे आपको मिलेगा ऐप्स एंड वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है हेडिंग ऐप्स एंड वेबसाइट और तीन टैब हैं, एक्टिव, एक्सपायर्ड एंड रिमूव्ड। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है इनको ऑलरेडी रिमूव किया हुआ है। अगर दोस्तों आपने अभी कुछ दिन पहले या फिर महीने पहले या फिर साल भर पहले भी किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लॉगिन किया होगा तो वो यहाँ पर एक्टिव वाली लिस्ट में दिखाई दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको सिंपल था उनको क्या है, अनलिंक करना है या फिर रिमूव पर क्लिक करना है, वन बाय वन वो रिमूव होती चली जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से देखिए, मेरी में क्यों नहीं दिखा रहा है पहले वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करता फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन एप्लीकेशन का साफ सीधा सा मतलब ये होता है कि वो आपके अकाउंट से लोगों को फॉलो करवाएंगे, फिर कुछ कॉइन कलेक्ट हो जाएंगे तो उन कॉइन के बदले में आपके अकाउंट पे वो फिर क्या करते हैं, फेक फॉलोवर्स को सेंड कर देते हैं, फिर फेक लाइक्स को सेंड कर देते हैं। मैं फेक वाले काम नहीं करता हूँ, मैं रियल काम करता हूँ, इसलिए किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ, ओके। उनमें से कुछ गाइस फिशिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं या एपीके फाइल्स फॉर्मेट होती हैं जो आपके अकाउंट की जो क्रेडेंशियल होती हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, इनको ले लेती हैं, फिर आपसे फिरौती मांगती हैं। तो ये सब नौटंकी ना हो, इससे बढ़िया है कि हम रियल वाला काम करें, ठीक है। तो अगर आपने किया होगा किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया होगा तो एक्टिव वाली लिस्ट में यहाँ पर दो तीन आपको इंस्टाग्राम से कनेक्टेड एप्लीकेशन दिख जाएंगी, आपको उनको वन बाई वन यहाँ से रिमूव कर देना है, ओके। ये रिमूव करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर है पासवर्ड, पासवर्ड पर जाके आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए नया पासवर्ड क्रिएट कर देना है। इसका दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट का अगर उनके पास पासवर्ड भी होगा
तो वो अब आपने चेंज कर दिया है और इस तरीके से जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो बिल्कुल सेफ हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, उसे कोई भी हैक वगैरह नहीं कर पाएगा। ठीक है, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव है उन सभी लोगों के लिए जो लोग फालतू में फेक फॉलोवर्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, काफ़ी सारे लोगों के इंस्टाग्राम डिसेबल्ड हुए, लेकिन मैंने अभी तक भी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई कि भाई एक दिन में मतलब 10,000 फॉलोवर्स हो गए, एक दिन में 5,000 फॉलोवर्स हो गए, पॉसिबल नहीं है। फेक फॉलोवर्स बढ़ाए जा सकते हैं, रियल वाले नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने जेन्युइन तरीका बताया था फॉलोवर्स को बढ़ाने का, वो देख लेना, इंस्टाग्राम की प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। ओके, अभी कुछ दिन बाद मैं डाल दूंगा अगर मेरे को कोई भी नया बढ़िया अच्छा से अच्छा तरीका मिलता है तो। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कोई भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो के नीचे मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है, प्लीज़ आप जाके वहाँ पर मेरे से मैसेज करके बात कर सकते हो। हो सकता है एक या दो दिन में मैं आपको रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन कभी ना कभी तो रिप्लाई ज़रूर दे ही दूंगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते हैं इसलिए हो सकता है कि मैं आपको टाइम पर रिप्लाई ना दे पाऊँ। इस वीडियो के नीचे दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ आप जाके उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन वीडियो पर सेंड नहीं करता है। ओके, आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स, लव यू एंड बाय।